स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेने वाले हैं और वो है कैलेंडर। जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग से प्रश्न आते हैं उसमें निश्चित तौर पर कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग के अंतर्गत। और ज़्यादातर छात्रों द्वारा यह देखा गया है कि कैलेंडर के प्रश्न छोड़ दिए जाते हैं, रहता काफ़ी ईजी। एक भय का माहौल है, एक तरीके से कहना चाहिए कि काफ़ी डर होता है कैलेंडर वाले टॉपिक को लेकर, जिसे मैं आज दूर करने वाला हूँ इन 6 प्रश्नों को बताते हुए, ठीक है। इन 6 प्रश्नों को देखते हुए टॉपिक के सारी वैरायटीज जो है वो कवर हो जाएगी कैलेंडर के अंतर्गत। सारे अलग अलग प्रश्न मैंने लिए हैं, कुछ मिलते जुलते भी होंगे, लेकिन ये 6 प्रश्नों को बनाते हुए कैलेंडर से आज के बाद आपसे कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो है कैलेंडर। ये 6 प्रश्नों को सॉल्व करना है उसके, लेकिन उसके पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी आपको, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर पता होना चाहिए, तो देखते जाइएगा। एक होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है। अब देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश इतना मैटर नहीं करता है, अब नॉर्मल ईयर जो है वो सभी को समझ में आता होगा, ठीक। नॉर्मल ईयर में कुल 365 दिन होते हैं, है ना। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, कैलेंडर वाले टॉपिक में एक ही फंडा काम में आता है, अगर वो चीज़ आप समझ जाएं तो पूरा कैलेंडर जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। और वो फंडा है ऑड डेज का, कॉन्सेप्ट है ऑड डेज का। ये ऑड डेज क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाइएगा। ये ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया मतलब पूरा कैलेंडर ख़त्म, ठीक है ना। इससे ही प्रश्न बनते हैं, ऑड डेज, ऑड डेज समझना है। देखिए वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए नॉर्मल ईयर में कुल 365 दिन होते हैं, अब ऑड डे मतलब क्या, किसी भी मतलब कितने भी दिन को या किसी में महीने में आने वाले दिन को अगर 7 से भाग दें, 7 से भाग देने पर जितना भी शेषफल बचता है वह ऑड डे कहलाता है। बस अब 7 से ही भाग क्यों दे रहे हैं तो समझ लीजिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं, बात समझ में आ रही है ना। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो हर एक 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, तो ऐसा 7 7 7 7 करके हम बढ़ते हैं, 7 14 21 28 इस तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। मतलब किसी भी दिन की संख्या को हम 7 से भाग देते जाते हैं और जो भी शेषफल बचता है वह ऑड डेज होता है। तो वो 7 से भाग हमको नंबर ऑफ डेज के केस में करना है, लेकिन अगर साल हो, बहुत सारे साल दिए हों, उसका कैलेंडर फाइंड करना हो, तब क्या करेंगे, तो वो सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल आप समझ गए क्या होता है ऑड डेज, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जैसे कि 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में, अब 365 को अगर आप 7 से भाग देंगे, ठीक, तो क्या होगा, 7 5 35, 1 बज गया मतलब 15 और 7 2 14, ठीक है। मतलब 365 को जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो बचेगा 1, है ना। और यही 1 जो है ये ऑड डेज है, क्लियर है। पूरे साल में आने वाले दिन को 7 से भाग दे दिया, शेषफल जो बचा वो ऑड डे होगा। ऑड डे का उपयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ऑड डे निकालना सीखिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। ऑड डे निकल गया हमारा, तो किसी भी नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, ये आप नोट करेंगे। किसी भी नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है आपका, रीजन भी मैंने बता दिया, क्लियर है। अब हम एक और ईयर की बात करते हैं जिसे लीप ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीप ईयर, लीप वर्ष, ठीक। मतलब इस लीप ईयर के बारे में हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें जो फरवरी महीना होता है वो 28 के बदले 29 दिन का होता है, क्लियर है। बाकी सभी नॉर्मल ईयर में जो फरवरी है 28 दिन का होता है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होगा, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। मतलब लीप ईयर में कुल 365 दिन नहीं होंगे, कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे, ठीक है। और जब 366 को हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। और चूंकि जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वही क्या होता है, ऑड डे होता है, क्लियर है। तो लीप ईयर के केस में 2 ऑड डेज होते हैं, इतना आप समझ लीजिए।
क्लियर है। तो ये बातें आपको नोट करनी है, नॉर्मल ईयर में वन ऑड डे और लीप ईयर में दो ऑड डे। अब पहचाने कैसे कि कोई भी साल लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो बहुत ही सामान्य तरीका है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, सुनिए। कोई भी साल, कोई भी वर्ष अगर चार से भाग जा रहा है, ठीक है, तो वो लीप ईयर होगा, बशर्ते वो शताब्दी ईयर नहीं होना चाहिए, शताब्दी साल नहीं होना चाहिए, मतलब सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 1800, 1900, 2000, इस तरीके से हम चार से भाग देंगे और चार से भाग हो जाए तो उसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। समझिए बात को, कोई भी साल अगर चार से भाग होता है तो वो लीप ईयर होगा, बस क्या नहीं होना चाहिए, वो शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। सेंचुरी मतलब वही मैंने बताया, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और सन 2000, इतनी ईयर्स, इतने साल नहीं होने चाहिए लीप ईयर, मतलब शताब्दी वर्ष नहीं होने चाहिए, सेंचुरी ईयर नहीं होनी चाहिए, तब आपको चार से भाग करके देखना है। और शताब्दी वर्ष के केस में क्या करना है, जो सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर जैसे कि मैंने बताया 1800, 1900, सन 2000, सन 1800, सन 1900, सन 2000, इन सब को चार से भाग करके नहीं देखना है, इन शताब्दी वर्ष को, सेंचुरी ईयर को 400 से भाग दे के देखना है, ठीक है। तो जो भी शताब्दी वर्ष 400 से भाग चले जाए वो लीप ईयर होगा, और जो समान, मतलब जो नॉर्मल, इनके शताब्दी वर्ष के अलावा जो वर्ष होंगे वो अगर चार से भाग चला जाए तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। जैसे बात करें 2004 की, ठीक है, या 2012 की बात कर लीजिए। अब 2012 चार से भाग जा रहा है कि नहीं तो देख लीजिए, चार से भाग देना है क्योंकि ये शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर नहीं है, चार पंचे बीस, चार तीय बारह, मतलब भाग चला जा रहा है, तो ये जो वर्ष होगा ये लीप ईयर होगा, और लीप ईयर हर चार साल में आता है, है ना, हर लीप ईयर हर चार साल में आता है, क्लियर है। जैसे 2012 था, अगला 2016, फिर 2020 चल रहा है लीप ईयर, 2020, 2012 के पहले 2008, 2004, 2000। अब देखिए इन शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे ना कि चार से, तो जब इसको हम 400 से भाग देंगे तो शून्य शून्य कट गया, और 18 चार से भाग नहीं जाता है तो 1800 लीप ईयर नहीं है। वैसे 1900, सन 1900 को 400 से भाग देंगे तो ये शून्य शून्य कट गया, 19 को जब 4 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 1900 भी लीप ईयर नहीं है। लेकिन जब 2000 को, सन 2000 को हम 400 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता है पांच बार में, और पूरा पूरा भाग अगर चला गया कोई भी शताब्दी वर्ष 400 से, सेंचुरी ईयर 400 से, तो वो लीप ईयर होगा। मतलब यहाँ पर 2000, सन 2000 लीप ईयर था, फिर 2004, फिर 2008, 12, 16, 20, 24, इस तरीके से। सन 2000 के पहले, चार साल पहले, मतलब 1996, 1992, इस तरीके से वो लीप ईयर था। क्लियर है इतनी बातें, समझ में आ गया आपको लीप ईयर? आगे बढ़े, इतना कॉन्सेप्ट को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, अभी और आएगा, समझते जाइए। यहाँ पर चार नोट पॉइंट लिखे हैं, देखते जाइएगा। चार पॉइंट ऐसा है कि हर 100 साल, एवरी 100 ईयर्स, कुल 5 ऑड डे होता है। अब ये कैसे निकाला, वही सारा पूरा कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है, ठीक है। इन 100 सालों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, कितने नॉर्मल ईयर पड़ेंगे, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए फिर 7 से भाग दिया तो आखिरी में क्या आता है, 5 ऑड डे आता है। तो चूंकि आपको इतना ना करना पड़े बोल के डायरेक्ट मैंने आपको ये रिलेशन बता दिया है, काफ़ी फेमस है कैलेंडर से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। तो हर 100 साल में, जैसे अगर मैं बोलूं भाई आज का दिन है क्या, कोई भी सा दिन ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं 1 जनवरी 2020, ठीक, 1 जनवरी 2020, और फिर जस्ट 100 साल बाद हमने ले लिया 1 जनवरी 2120, हो गया 100 साल ये, ठीक है। तो इन 100 सालों के अंतर में कितने ऑड डे निकल आएंगे, कुल 5 ऑड डे निकल आएंगे, ये कह रहा है, बस समझ में आई। और ऑड डे का क्या फंक्शन है मैं बताऊंगा, बस अभी ऑड डे पे फोकस करते जाइएगा आप, तो बात समझ में आई। हर 100 साल में 5 ऑड डे निकल के आते हैं, हर 200 साल में 3 ऑड डे निकल के आते हैं, हर 300 साल में 1 ऑड डे निकल के आता है, हर 400 साल में 0 ऑड डे निकल के आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है चारों के चारों, ठीक। हर 100 साल में, एवरी 100 ईयर्स, 5 ऑड डेज,
एवरी 200 ईयर्स 3 ऑड डे, एवरी 300 ईयर्स 1 ऑड डे एंड एवरी 400 ईयर्स 0 ऑड डे। क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और बातें। ये ऑड डे आपको समझ में आ गया होगा, इसका यूज क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसा कि देखिए, हमने ऑड डे पूरे साल के लिए निकाला या 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल के लिए पता कर लिया ऑड डे क्या होगा। किसी महीने के लिए भी ऑड डे निकाला जा सकता है क्या? तो बिल्कुल किसी भी महीने के लिए ऑड डे निकाला जा सकता है। अगर मैं बोलूं जनवरी महीने में कितने ऑड डे होंगे, जनवरी महीने में कितने ऑड डे होंगे, ठीक है, तो पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। तो ये बचपन में हमने किया था, ये आपको याद होगा, ये जो उभार वाला पोर्शन रहता है जनवरी, नीचे वाला पोर्शन फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून जुलाई। तो जो भी उभार वाला पोर्शन रहता है वो 31 दिन का होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जनवरी 31 दिन का, फरवरी तो आपको पता होना चाहिए 28 दिन का और लीप ईयर में 29 दिन का, मार्च फिर से 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, फिर जुलाई 31, फिर जुलाई के बाद अगस्त आ रहा है, मतलब दूसरे हाथ का ले लेना है। दूसरे हाथ में भी पहले कौन सा आ रहा है? उभार वाला पोर्शन, मतलब जुलाई और अगस्त दो लगातार ऐसे महीने हैं जो 31-31 दिन के होते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से पता लगाया जा सकता है किसी भी महीने में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बोला है कि ऑड डेज पता करना है, तो सीधा सीधा क्या करना है, उस महीने में आने वाले दिन को 7 से भाग दे देना है, जितना रिमाइंडर बचता है मतलब शेषफल बचता है वही ऑड डे होगा। तो जब हम 31 को 7 से भाग देंगे तो 7 × 4 = 28 होता है और रिमाइंडर बच जाता है 3। तो जनवरी महीने में कुल 3 ऑड डे होंगे क्योंकि 3 रिमाइंडर बच गया। बात समझ में आ गई ना? तो किसी भी महीने के लिए, कितने भी सालों के लिए, एक साल, दो साल, कितने भी टाइम के लिए हम ऑड डे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? और ऑड डे का फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है, क्यों निकाल रहे हैं, अब आपको मैं बताऊंगा, चूंकि आपको ऑड डे निकालना आ गया है इतनी बातों के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑड डे से ही प्रश्न बनेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑड डे से ही प्रश्न बनेंगे, ठीक है। चलिए एक और चीज समझ लीजिए, कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले एकदम ज्यादा बेसिक अगर मैं आपको बोलूं 4 अप्रैल को अगर मंडे था, एक ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ और प्रश्न भी रैंडम हो सकते हैं, उसको रियल कैलेंडर से मैच नहीं कर रहा है, कुछ रियल कैलेंडर से दिन उठा लेता है, कुछ रैंडम एग्जांपल ले लेता है, तो आपको ऐसा नहीं देखने कैलेंडर उठा के आप देखने लग जाएं कि इस दिन ये पढ़ा था कि नहीं, हमको मतलब नहीं होता है उससे, हमको बस कैलकुलेट करना होता है अगर इस दिन ये था तो उस दिन क्या पड़ेगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो रियल कैलेंडर से रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो उसमें हमको ध्यान नहीं देना है। एक रैंडम एग्जांपल ले लिया, 4 अप्रैल मंडे था, तो उसी महीने के 23 तारीख को, मतलब 23 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ेगा, ये बहुत ही सिंपल। तो आप क्या करते हैं ऐसे करने के लिए, क्या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करते हुए 4, 5, 6 ऐसा गिनेंगे क्या? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे हम कर लेते हैं 7-7 दिन के अंतराल में। मतलब जैसे देखिए, 4 अप्रैल है, 4 में 7 जोड़ दिया, क्या आ गया? 11 अप्रैल, ठीक है। 11 अप्रैल को भी क्या पड़ेगा? मंडे पड़ेगा, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वही आएगा, मतलब किसी दिन में 7 जोड़ देंगे तो जो डेट मिलेगा उस डेट में वही दिन होगा जो इस समय था। बात समझ में आ रही है? ठीक। फिर 11 में 7 जोड़ दिया, कितना आ गया भाई? 18 आ गया। 18 अप्रैल को भी क्या पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। कहाँ तक पहुँचना है हमको? हमको पहुँचना है 23 अप्रैल तक, ठीक, 23 अप्रैल तक पहुँचना है। फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 अप्रैल, है कि नहीं? 25 अप्रैल आ जाएगा और 25 अप्रैल को फिर से क्या पड़ेगा? मंडे ही पड़ेगा, 7-7 दिन का अंतराल ले रहे हैं। बात समझ में आई? लेकिन हमको चाहिए 23 अप्रैल, हम पहुंच गए 25 अप्रैल में, तो 23 अप्रैल कब है? 25 अप्रैल के 2 दिन पहले। तो मंडे से 2 दिन पहले, मतलब मंडे से 2 दिन पहले क्या आएगा? मंडे से 1 दिन पहले संडे आएगा और संडे के 1 दिन पहले सैटरडे आएगा, मतलब शनिवार आएगा। बात समझ में आ रही है? तो 23 अप्रैल क्या पड़ रहा है? 23 अप्रैल आपका पड़ रहा है सैटरडे। बात समझ में आई इतनी?
ये तो खैर बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं और ऐसे प्रश्न आएंगे भी नहीं। बस ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे हमको कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम बनाते हैं प्रश्न और ऑड डे का फंक्शन हमको समझ में आने वाला है। अब एक चीज सुन लीजिए बस, अभी ऑड डे का मतलब क्या है। सपोज कोई डेट दिया था, कोई भी डेट दिया था, उसमें दिन दे दिया था कोई सा भी, एग्जांपल ले लेते हैं गुरुवार, थर्सडे, ठीक है। और कोई एक डेट पूछ दिया, दूसरा डेट, ये डेट वन ले लेते हैं, और कोई दूसरा डेट ले लिया, डेट टू, उसमें कौन सा दिन पड़ेगा पूछ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेट से इस डेट तक ऑड डेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज निकालने के बाद जितना भी ऑड डेज आएगा, जितना भी ऑड डेज आएगा उसको थर्सडे में ऐड कर देना है, थर्सडे में ऐड कर देना है। और थर्सडे में ऐड करने के बाद उतने ऑड डेज को काउंट कर लेंगे कि अगला कौन सा दिन आएगा। जैसे मान लो दो ऑड डे आ गए, यहां पर हमने इस डेट से इस डेट तक ऑड डे काउंट किया और कितने ऑड डे आ गए, कितने ऑड डे आ गए, कुल दो ऑड डे आ गए सपोज, ठीक। तो दो ऑड डे का मतलब यह है कि थर्सडे से दो दिन बाद इस डेट को पढ़ने वाला है, ठीक। तो थर्सडे के दो दिन बाद मतलब फ्राइडे सैटरडे, मतलब इस दिन को पड़ेगा सैटरडे। ये ऑड डे का पर्पस होता है, जितने भी ऑड डे आए उसको पुराने वाले डेट में जोड़ देना है। तो उतने दिन बाद जो भी दिन आएगा, उतने ऑड डे के बाद जितना दिन आएगा वही इस वाले डेट का दिन होगा। ये करते हैं ऑड डेज के लिए। समझ में आई बात? और क्लियर हो जाएगा जब हम प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले तो ऑड डेज हमको कैलकुलेट